राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर एक एक वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है, इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्था में सृजित पदों के विरुद्ध जो व्याख्याता हैं, डेमोन्स्ट्रेटर, ट्यूटर हैं, उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है, उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है, और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो तो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था, इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं, ताकि बिहार में ही ये गाड़ियां खरीदी जाएं। नमस्कार, आज मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है, इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे, और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूँ। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल, और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। इसका कारण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी, और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती हैं, उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल, और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का, इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है, और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा, और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है, टीका का क्रय है, ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ अग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा, और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है, और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में यह लगेगा, और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है वह 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच यह वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा। और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे ही बचाव होगा। कब से स्टार्ट होगा? रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है। और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में, 150 करोड़ इसमें व्यय होगा। और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में ये लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर? सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ऑल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में आपके 95 लाख वैक्सीन प्रक्योर होंगे और यह 95 लाख बच्चियों में 2 खुराक लगेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नगर निकायों को जो सप्तम वेतन माह का जो पुनरीक्षित वेतनमान है यह 1/1/2016 के प्रभाव से मिलेगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से देगा। 1/1/2016 के प्रभाव से यह इफेक्टिव होगा और आर्थिक लाभ 1/4/2017 से देगा। कर्मियों की संख्या नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन है और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो आर्थिक लाभ है वो नगर निकाय अपने रिसोर्सेस से देंगे। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं लाभान्वित होंगे उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। और बिहार वन का एक मतलब यह है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं जो सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा और उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहां एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे। पथ निर्माण विभाग का यह एक पथ निर्माण विभाग में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा लहरिया सराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 स्पेशल के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 106 करोड़ 5 लाख 72 हजार रुपये राजांश सहित कुल 134 करोड़ 67 लाख 23 हजार के अनुमानित लागत पर यह आरओबी बनाने का निर्णय लिया। नवादा जिला में वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जाएगा। खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु 101 करोड़ 81 लाख 85 हजार मात्र के अनुमानित लाभ पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्था रक्सौल के भवन का निर्माण, ये आईटीआई रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 32,66,02,000 रुपये लगेंगे। कृषि विभाग का जो डीपीआर बेस स्कीम है 60-40 है, कहते हैं रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40,86,81,600 रुपये, जिसमें केंद्रांश है 14,97,38,000, राजांश है 9,98,00,000 और टॉपअप है 15,91,00,000। तो ये जो वर्ष में जो दलहन प्रोत्साहन योजना है तो 24-25 के लिए भी स्वीकृत की गई। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्र कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंका के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक और आशुटंकक हैं, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच। राज्यों में जो कारों में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस है उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर आईटी समर के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, इसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में, उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 और गणित के 29 पद। पीएचईडी में जो नल जल योजना कार्यान्वित करती हैं उसमें पूर्व से स्वीकृत कीमैन से चौकीदार का कुल 628 पद हैं तथा खलासी के कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील सभी 39 कार्य प्रमंडल में आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित कर दिया गया, बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया है और साथ ही साथ उक्त पदों का दायित्व निर्धारण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों का स्वीकृत किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 2 दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजकीय राजभवन पटना तथा राजकीय औषधालय पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई है। बिहार मत्स्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सहरसा न्याय मंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 1 पद सृजन किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम के लिए 33 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं। खेल विभाग ने अपने जितने भी पद हैं, पुराने पद हैं, उसको मर्ज करते हुए 466 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है।